साथियों, सीएमआई संस्था ने हरियाणा में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करते हुए बेरोजगारी की दर को 34% बताया, जो देश में सबसे अधिक है। जैसे ही बेरोजगारी के आंकड़े आए, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा की पूरी सरकार तिलमिला उठी और रोजगार देने की बजाय, रोजगार की बात करने की बजाय सीएमआई संस्था पर ही कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी। मुख्यमंत्री खट्टर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेरोजगारी की दर को 6.1% बताया और लगभग 10 लाख लोगों को बेरोजगार बताया। ये आंकड़े खट्टर साहब आप लाए कहां से हो? इस बात का जवाब हरियाणा के सभी बेरोजगारों को दीजिए, हरियाणा की जनता को दीजिए। और हम खट्टर जी को हरियाणा के समस्त बेरोजगारों की ओर से जवाब देना चाहते हैं कि जब भी कोई भर्ती होती है, आप तो 10 लाख की बात कर रहे हैं, फार्म जो है वो 30 से 35 लाख भरे जाते हैं। क्या ये 30 से 35 लाख फार्म जो भरे जा रहे हैं, ये बेरोजगार आपको चंदा दे रहे हैं आपकी सरकार को, या ये मौज मस्ती कर रहे हैं? इस बात का जवाब आपको देना चाहिए। हरियाणा नंबर 1 बना दिया आपने बेरोजगारी में, पेपर लीक में, भर्ती रद्द करने में, और आपकी खुद की विजिलेंस ये साबित कर चुकी है कि एचपीएससी के अंदर, एचएसएससी के अंदर पर्ची भी चलती है, खर्ची भी चलती है, और नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से आपके रिश्तेदारों की सीधी भर्ती भी चलती है। ये बात तो आपकी खुद की विजिलेंस साबित कर चुकी है। आप लगातार पेपर रद्द करते जा रहे हैं, जो पेपर, जो भर्ती घोटालों से भरी हुई है, जो दागदार है, वो तो आप पूरी कर रहे हो, और अब अलग अलग बहाने लेकर के ग्राम सचिव से लेकर के और ना जाने आपने कितनी भर्तियां रद्द करके युवाओं के सपनों पे पानी फेर दिया। पेपर रद्द, पैसा हजम, पेपर कैंसिल, ये आपकी थ्योरी बन चुकी है। और हम आपको एक जवाब और देना चाहते हैं। आपको बेरोजगारी के आंकड़े देखने हैं, धरातल पर देखने हैं, तो आप हमारे साथ आइए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।